जो वर्दी में दिल्ली पुलिस के सिपाही को आप देख रहे हैं, ये उसी दिल्ली पुलिस का सिप्पे सलाहार है जो न्याय और सेवा का दम भरती है। स्थानीय लोगों के अनुसार 6 अगस्त को ये दो पुलिस वाले नशे की हालत में बुद्ध विहार के 3 मूर्ति रोड पर लगने वाले बाजार को हटाने आए और इसी भीड़ में से एक बाजार लगाने वाले मुकेश को अपने साथ ले जाने लगे। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस वाले नशे की हालत में दिखाई दिए। पुलिस दो पुलिस वाले आए थे कि वो हाथ पकड़ के लेके आए थे, तो पब्लिक सारे जने आ गए थे, जब मेरे को छुड़ा लिया था कि बाजार लगाने के दारू पिए हुए थे। लोगों ने पुलिस वालों की शिकायत करने के लिए 100 नंबर पर कॉल भी किया। SHO साहब मौके पर पहुंचे भी, लेकिन एक्शन लेने की बजाय अपने सिपाहियों के पक्ष में ही लोगों से लड़ने लगे। मौके पर मौजूद समाज सेविका रीता देवी ने बताया कि इस क्षेत्र में 12 से ज्यादा बाजार लगते हैं और ज्यादातर गैर कानूनी है, लेकिन बुद्ध विहार थाने को सिर्फ इसी बाजार के लिए न्याय दिखाना है, जबकि बुद्ध विहार थाने की नाक के नीचे ही गैर कानूनी शराब के अड्डे व जुए के अड्डे फल फूल रहे हैं। 30 साल पुरानी मार्केट है, बस बहुत सारे काम है यहाँ करने के लिए, शराब का सट्टा का ये काम बंद करवाने के लिए बहुत सारे काम है उनके पास, लेकिन वो ये सब नहीं कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं जो बेचारे गरीब सब्जी वाले हैं, जो अपने बच्चों को पालने के लिए शाम को सब्जी बेचते हैं तो अगले दिन उनका घर चलता है। लोगों का कहना है कि वो 30 सालों से यहाँ बाजार लगाकर अपना व अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। अब अचानक दिल्ली पुलिस सिर्फ अपने सिपाहियों की करतूतों को छुपाने के लिए हमारा बाजार हटवाती है, तो ये हमारे साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं हो सकता। और हाँ, और इतनी बढ़िया सफाई बुद्ध विहार के बाजार में रहती है कि कहीं भी इतनी सफाई नहीं मिलेगी आपको जो है। अब ये जो है ना, ये जबरदस्ती वाला काम करा जा रहा है बाजार को हटा के जो है, का कहते हैं। अब हमें नहीं पता कौन है। 27 साल से लग रही है बाजार, ये में सारे व्यक्ति सारे जुटे पड़े, कम से कम दुकानदार 300 से ज़्यादा हैं, कम से कम लगा लिए 300 से ज़्यादा हैं, सब जोड़े पड़े हैं। बाजार इतने अच्छे से लग रही है, इतने अच्छा रोड है, डबल गाड़ी भी करती है, कोई टेंशन नहीं होती है। पता नहीं बाजार की क्या दिक्कत हो गई और क्या दिक्कत थी। प्रधान जी भी हमारा बढ़िया है, सफाई अच्छा बयान सही चलता है, ठीक है। से निकलता है एक हम सीढ़ी दफ्तर का कोई बंदा नहीं आया कि नाली कूड़ा बहाई, जब सब प्रधान यहाँ का बहवाती हैं सारी कूड़ा, और फिर भी इतराज उठाते हैं सब कि हाँ यहाँ सफाई नहीं रहती, गली गली बंद रहती, कुल बंद रहा तो सारा गली क्लियर है। कोई बंदे का यहाँ बाजार लग जाए किसी को बुला के यहाँ चेक करवा सकते हैं पूरे में गली में कि कौन गली में बैठता है, कौन रोड पर बैठता है। अपन तखबाजी करके हम सीढ़ी दफ्तर वाला फिर अपन पर्ची काटा, जो इंसान बनता है वो अपना हिसाब से लिया, मेरी बाजार लगने दे बराबर में पैसा। हालांकि दिल्ली पुलिस का गैर कानूनी बाजारों को हटाना एक सराहनीय कदम है, लेकिन सिर्फ एक ही बाजार को गैर कानूनी बताकर हटा देना कौन सा इंसाफ है। नगर निगम के अनुसार बुद्ध विहार में ही 12 से 15 बाजार लगते हैं जो गैर कानूनी है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट।